Good morning viewer, welcome to my YouTube channel VP Academy. So today in this video we are going to see decimal expansion. What is decimal expansion? Decimal expansion क्या है? तो अगर हम किसी भी number का division करेंगे तो उसका जो answer हमें मिलेगा वो उसका decimal expansion होगा. अगर हम rational number को decimal में convert करना चाहते, decimal expansion करना चाहते उसका, तो हम इस तरह से कर सकते हैं. 5/7 ये एक रेशनल नंबर है. यहाँ पे अगर हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 5/7 का डेसिमल एक्सपांसन होगा. नाउ देर आर 3 टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांसन. फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, एंड थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. सो दिस इज द types of decimal expansion. Now when this 3 comes, इन तीनों में से कौन सा टाइप कब आएगा, किस आंसर में आएगा, किस डिवीजन में आएगा, वो हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. सो वन एग्जाम्पल लेते हैं, 2/10. हमें 2/10 रेशनल नंबर दिया गया है. अब हमें इसे डेसिमल एक्सपांसन में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे हमें 2 को 10 से डिवाइड करना होगा. हियर 2 इज स्मॉलर देन 10, सो वी हैव टू टेक डेसिमल पॉइंट. सो 0 पॉइंट एंड हियर वी हैव टू टेक 0. नाउ इट बिकम 20. सो 10 2 20. सो हियर रिमाइंडर बिकम 0. नाउ लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल, 7/8. हमें 7 को 8 से डिवाइड करना है. सो here 7 is smaller than 8, so we have to take decimal point and here 0. Now 8 is 64. 70 minus 64, it become 6. Now again take a 0, so 8 7 is 56. So again 60 minus 56, it become 4. Now again take a 0, so it become 40. So we have 8 5 is 40 and remainder become 0. Now in दोनों example में आप देख सकते हैं, इस example में हमें first step में remainder 0 मिल गया और यहाँ पे हमें first, second, third step में हमें remainder 0 मिला. तो जब भी इस तरह के division में अगर remainder 0 हो जाए कुछ step के बाद, तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन बोलेंगे. तो आपको याद रखना है, अगर किसी भी डिवीजन में रिमाइंडर 0 हो जाए और अगर डिवीजन का स्टॉप एंडिंग आ जाए तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन बोलते हैं. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपांसन. सो वी हैव वन एग्जाम्पल, 10/3. Here we want to divide 10 with 3. So here 10/3, so 3 3 is 9. Now 10 minus 9 become 1. So here 1 is smaller than 3, so we have to take decimal point and here we have to take 0. Now it become 10, so again 3 3 is 9 and 10 minus 9, again remainder 1. Again take a 0, 3 3 is 9. Again remainder 1. Again take a 0, 3 3 is 9. So again remainder 1. So in this division, the division does not stop. वो आगे ही आगे चलता रहेगा और उसका एंड नहीं आएगा और रिमाइंडर में हमें हर बार 1 मिलेगा. और आंसर भी आप देख सकते हैं 3.333, यानी कि 3 आगे रिपीट होगा. अगर हम इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो 3.33 आगे 3 रिपीट होगा. अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3.3 बार. क्योंकि यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है तो इसलिए हम 3 के ऊपर लाइन कर देंगे, उसको हम बार बोलते हैं. तो 3.3 बार, इट मीन्स 3.333 3 रिपीटिंग करेगा.
तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स डिवीजन का एंड नहीं है, हमें रिमाइंडर में जीरो नहीं मिलेगा। और रिकरिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर रिपीट होता है। सो दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, 1/7, 1 को हमें 7 से डिवाइड करना है। सो 1/7, हियर 1 इज स्मॉलर देन 7, सो वी हैव टू टेक डेसिमल पॉइंट 0 एंड हियर 0। नाउ 7 ones are 7, 10 minus 7 become 3, सो रिमाइंडर वी गेट 3। अगेन टेक अ 0, नाउ 7 fours are 28, सो दिस टाइम रिमाइंडर 30 minus 28 become 2। अगेन टेक अ 0, 7 twos are 14, नाउ 20 minus 14 become 6। अगेन टेक अ 0, 7 eights are 56, नाउ 60 minus 56, सो इट बिकम 4। अगेन टेक अ 0, नाउ 7 fives are 35, नाउ 40 minus 35, सो इट बिकम 5। अगेन टेक अ 0, 7 sevens are 49, सो 50 minus 49 become 1। नाउ अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे स्टार्ट 1 से किया था, हमने 1 को 7 से डिवाइड किया था, स्टार्ट 1 से किया और रिमाइंडर हमारा 1 अभी आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस डिवीज़न में एंड नहीं आएगा और रिमाइंडर 0 भी नहीं होगा। और इसका जो आंसर है, ये जो डिजिट का ब्लॉक है वो आगे रिपीट होगा, मतलब कि यहाँ पे 1, 4, 2, 8, 5, 7 डिजिट है वो आगे रिपीट होगी। अगर हम आगे अब डिवीज़न करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा 1, 4, then 2, then 8, then 5, then 7, तो ये रिपीट होगा। उसके आगे फिर से ये ब्लॉक रिपीट होगा, मीन्स के 1, 4, 2, 8, 5, 7, ये रिपीटिंग ब्लॉक रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन बोल सकते हैं। अगर हमें इसको शॉर्ट में आंसर लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.142857, इतना ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो ये उसके ऊपर हम लाइन कर देंगे, इसको बार बोलेंगे, 0.142857 बार। सो दिस इज द ऑल अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। नाउ थर्ड टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपांशन में जब भी आप डिवीज़न करेंगे तो उसमें रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा, डिवीज़न का एंड भी नहीं आएगा और इस तरह से जो रिपीटिंग ब्लॉक है यानी कि नंबर रिपीट भी नहीं होगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन रिकरिंग। यहाँ पे रिकरिंग था, रिकरिंग का मतलब है जो डिवीज़न में रिमाइंडर है और जो आंसर है उसमें डिजिट रिपीट होगी, और नॉन रिकरिंग का मतलब है डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो इसमें आपको याद रखना है कि डिवीज़न में रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा, डिवीज़न का एंड नहीं होगा और जो रिमाइंडर है और आंसर है उसमें डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो उस टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। नाउ अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मिले, फर्स्ट टू टाइप में से मिले, तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मिले तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। सो आई होप कि आपको जो ये टॉपिक है डेसिमल एक्सपांशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।